आप सभी भाइयों का गाइस सबसे पहले शोर एक्सपर्ट सपोर्ट चैनल पे मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और गाइस अपन इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच जो आईपीएल का 46th मैच खेला जाएगा उसके बारे में गाइस अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और गाइस है ना इस वाले आईपीएल में तो जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है ना यार गाइस मजा आ गया। मतलब इतने मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपका वीडियो जब से देखने लगा हूं ना हर लीग में विन करने लगा हूँ। मतलब मैं पहले हारा करता था बट जब से आपका वीडियो देखने लगा हूँ मेरे को काफ़ी अच्छी विनिंग होने लग गई और मैं है ना अपने कॉन्टेस्ट में अच्छी खासी रैंक लेके आ रहा हूँ। तो गाइज मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा विन कर सको क्योंकि अभी तक अपने जितने आईपीएल के मैचेस गए हैं वो बहुत ही अच्छे गए हैं और उसमें अपन ने सभी ने वन साइडेड विन किया है। अब गाइज इस वाले मैच में मुंबई और दिल्ली के मैच है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप कह सकते हैं इस वाले मैच में कॉम्पिटिशन का लेवल रहेगा बहुत ही हाई है क्योंकि मुंबई के पास भी कई शानदार प्लेयर है और दिल्ली के पास भी बहुत शानदार प्लेयर है। तो अगर आप इस वाले मैच की स्मॉल लीग या हेड टू हेड की टीम बनाने जा रहे हो या फिर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाने जा रहे हो तो आप कौन से प्लेयर को अपनी टीम में जगह दो ताकि आप हर लीग को वन साइडेड विन कर सको। तो गाइज मैंने इस वाले मैच के लिए आपके लिए 3 से 4 प्लेयर निकाले हैं जो स्पेशली इस वाले ग्राउंड पे काफी अच्छा करते हैं और कुछ प्लेयर्स हैं जो आपस में दोनों टीमों का मैच होता है वहां पे भी बहुत अच्छा करते हैं। तो उन प्लेयर्स के बारे में गाइज अपन डिटेल में बात करेंगे, साथ में गाइज अपन को आपको बताऊंगा कि इस वाले मैच में आप क्रेडिट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो क्योंकि क्रेडिट का गाइज आपको बहुत ही तगड़ा इशू आने वाला है। और गाइज इस वाले वीडियो में भी हमेशा की तरह 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है और गिव अवे में गाइज मैं आपसे ना कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना आंसर आपको उसका देना है। आपको केवल क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करना है। क्या करना है गाइस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करना है। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना अदरवाइज आप गिव अवे विन नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस। और साथ में इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब गाइस अपन डिटेल एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं। गाइस ये वाला जो मैच खेला जाएगा ना वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल का 46th मैच खेला जाएगा। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना अदरवाइज आपका इस वाले मैच में नुकसान होना तय है क्योंकि काफी बड़ा मैच है और काफी सारे प्लेयर्स है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा इस वाले मैच की टीम बनाने में, इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच कर लेना आपसे रिक्वेस्ट है। मैच खेला जाएगा शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में। अब गाइस देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ की बाउंड्रीज छोटी है बट गाइज आप उस गलती मत करना क्योंकि बहुत से लोगों ने यह गलती की थी और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शारजा का ग्राउंड जरूर छोटा है बट अभी का जो पिच है ना शारजा का वो बहुत अच्छा बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे बॉलर्स काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं क्योंकि ग्राउंड मतलब जो पिच है ना वो सेकेंड इनिंग में काफी है ना धीमा हो जाता है तो यहाँ पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं है तो आपको थोड़ा सा बॉलर्स को इंपॉर्टेंस देनी होगी इस वाले मैच में खास तौर से। साथ में गाइज अपन इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इन टीम्स की प्लेयर बैटल, साथ में अपन बात करेंगे कि इस वाले मैदान पे कौन सा प्लेयर चल सकता है, साथ में अपन इस वाले मैच की फाइनल टीम भी देखेंगे। तो वीडियो गाइज आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना अगर आपको इस वाले मैच में विन करना है, साथ में 50,000 रुपए गिव अवे विन करना है तो लास्ट तक वॉच करना है आपसे रिक्वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे पेसर्स को 91 टाइम्स विकेट मिले हैं तो यहाँ पे पेसर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, दोनों टीमों के बीच गाइज अब तक 29 मैच खेले गए हैं जहाँ पे मुंबई ने 16 बार वॉन किया है और दिल्ली ने केवल 13 बार, तो मुंबई का पलड़ा थोड़ा सा भारी है बट गाइज इस वाले मैच में आप दिल्ली को हल्के में लेके मत चलना क्योंकि टेबल पर सेकेंड पोजिशन पे चल रही है और इस वाले मैच को जीतकर वो प्लेऑफ की जगह पक्का करना चाहेगी और साथ में मुंबई ये वाला मैच जीतकर टॉप 4 में जगह बनाना चाहेगी तो ये वाला मैच बहुत ही कांटेदार होने वाला है, मतलब आपको मजा आने वाला है। दोनों टीमों की गाइज अपन यहां से प्लेइंग 11 एक बार देख लेते हैं, वैसे तो लाइनअप आ जाती है फिर भी गाइज आप लोगों को बताना जरूरी है। रोहित शर्मा और क्वांटन डीकॉक ओपन करेंगे, सूर्य कुमार यादव सौरभ तिवारी हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, उसके बाद यहां से पोलार्ड पांड्या कुल्टर नाइल राहुल चहर जसप्रीत बुमराह और बोल्ट, ये लगभग आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। इसमें एक प्लेयर मुझे लग रहा है कि बाहर हो सकता है क्योंकि नॉर्थन कुल्टर नाइल इस वाले आईपीएल में अभी तक जितनी भी बार मौके मिले हैं काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसलिए इस प्लेयर को बाहर बैठाया जा सकता है और इसका इंडिकेशन इनके कप्तान रोहित शर्मा ने भी दिया है तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये नहीं खेलता और इसकी जगह कोई और प्लेयर आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। दिल्ली कैपिटल की तरफ से बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे स्टीवन स्मिथ और शिखर धवन ओपन करेंगे, इसके बाद श्रिया सैयद ऋषभ पंत शिमरन हेटमायर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, इसके बाद ललित यादव अक्षर पटेल रविचंद्रन अश्विन
रबाडा, नॉटेज और आवेश खान। तो मुझे नहीं लगता दिल्ली कैपिटल अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चेंज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी मैच विन करके आ रही है, तो इसमें ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्लेयर स्टैट्स की। अगर आप इस वाले मैच में दोनों टीमों के 22 प्लेयर्स में से कौन से 11 प्लेयर को पिक करें जिससे आप हर लीग में विन कर सके, तो वो चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस चीज को जान लिया ना, तो आपकी हर लीग में रैंक आने वाली है, उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं गाइस। अगर लास्ट 3 मैच की परफॉर्मेंस देखो तो 8, 43, 30 थी, तो मतलब लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ है, अदरवाइज काफी अच्छा करके जा रहा है। तो रोहित शर्मा मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्वांटन डीकॉक की बात करूं तो लास्ट 4 मैचों की आप परफॉर्मेंस यहां से देख सकते हैं, 27, 24, 55 और 17। तो क्वांटन डीकॉक तो गाइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है साउथ अफ्रीका का, और काफी अच्छा कर रहा है। तो गाइस ये दोनों ओपनर मुंबई के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए इस वाले मैच। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को गाइस मुझे लगता है इस वाले मैच में बाहर का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा था जो 2020 में 40 के एवरेज से 480 रन बना के गया था, बट इस वाले आईपीएल में तो गाइस भाई की फॉर्म बिल्कुल ही चले गई, आप देख सकते हैं 3, 5, 8, 0। तो मेरे को थोड़ी सी टेंशन भी हो गई इसको लेके कि T20 वर्ल्ड कप में भी सूर्य कुमार यादव का सिलेक्शन हुआ है, होपफुल वो वहां पे अच्छी फॉर्म में आ जाए। बाकी इस वाले मैच में मुझे नहीं लगता आपको इसको लेना चाहिए, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ग्रैंड लीग में रख सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में मैं आपको थोड़ा सा कम सजेस्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे सौरभ तिवारी की बात करें, लास्ट 3 मैच में 45, 5, 50 काफी अच्छा करके दे रहा है, तो सूर्य कुमार यादव की जगह आप सौरभ तिवारी को अपनी टीम में मौका दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग करके गया, 40 रन बना के गया, तो आपको अगर ऑलराउंडर सेक्शन में कोई प्लेयर पिक करना है तो हार्दिक पांड्या आपके लिए बेस्ट रह सकता है। और यहां से किरण पोलार्ड की बात करूं, किरण पोलार्ड लास्ट मैच में 2 विकेट लेके गया था, उससे पहले 21 रन, 15 रन और 7 रन करके गया है, तो पोलार्ड को आप ट्राई कर सकते हैं। इसलिए गाइस मैं आपको कह रहा था कि इस वाले मैच के टीम बनाने में आपको पसीना आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्लेयर है, आपको कौन से 11 सेलेक्ट करने हैं उसमें आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस मैं अभी आपको है ना इस वाले मैच का वेन्यू बताऊंगा, और इस वाले वेन्यू पे कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है उसका रिकॉर्ड बताऊंगा, तो इससे आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप एक अच्छी टीम से परफॉर्म कर पाओगे। कुन्नूर पांड्या की मेरे हिसाब से फॉर्म अच्छी नहीं है, अगर लास्ट 4 मैचों की बात करूं तो केवल 1 विकेट निकाला है, तो पांड्या को आप थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं अपनी इस वाले मैच में। नॉर्थन कुल्टर नाइल को बाहर बैठाया जा सकता है। देखो यहां से आपके लिए 3-2 बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। खास तौर से जसप्रीत बुमराह की इस वाले सीजन में फॉर्म आप देखोगे तो गाइस अब तक 4 मैचों में 10 विकेट निकाल के ले जा चुका है, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहा है, खास तौर से डेथ ओवर्स में तो शानदार बॉलिंग करा रहा है। वही ट्रेंट बोल्ट की बात करूं तो 4 मैच में केवल 3 विकेट मिले, तो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया है ट्रेंट बोल्ट की फॉर्म को लेके, और राहुल चहर ने भी लास्ट 4 मैच में 2 विकेट निकाले। तो इनकी अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह एकमात्र ऐसा बॉलर है जो काफी अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। अब ट्रेंट बोल्ट और राहुल चहर को अपनी टीम में ले या नहीं ले उसका डिसीजन अपन डिसाइड करेंगे अभी जब मैं वेन्यू का रिकॉर्ड बताऊंगा, उसके बेस पर अपन डिसाइड करेंगे कि इसको टीम में रखना है या नहीं रखना। गाइस कई भाई पूछ रहे थे कि गिव अवे कैसे मिलेगा, देखो 50,000 रुपए का गिव अवे है, इसमें 500 लोगों को 100 रुपए मिलेंगे, बट उसके लिए कंडीशन यही है कि आपने वीडियो पे लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबाई हो, वीडियो को लास्ट तक वॉच किया हो। ये चीज सब गलती कर देते हैं इसलिए उनको गिव अवे नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई लाइक कर देता है, सब्सक्राइब कर देता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेता है, बट वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करता, वहीं पर आप मात खा जाते हो। बेंच में बैठे हुए प्लेयर है गाइस ईशान किशन, एडम मिलाइन, अमोलप्रीत सिंह, मुझे लग रहा है ईशान किशन को बुलाया जा सकता है सूर्य कुमार यादव की जगह, बाकी देखते हैं टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होगा कि वो मौका देती है या नहीं देती। दिल्ली कैपिटल के गाइस प्लेयर स्टैट देख लेते हैं, स्टीवन स्मिथ ओपन करेंगे, 39 करके गए थे और पहले ही मैच में, और शिखर धवन की बात करूं लास्ट 2-3 मैचों में 24, 8, 42, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। श्रेयस अय्यर की बात करूं लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ था, उससे पहले 43, 47 करके गया है। ऋषभ पंत भी आप देख सकते हैं 39, 24 और 35। ऋषभ पंत बहुत अच्छा कर रहा है और खास तौर से इनका जो टॉप ऑर्डर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दिल्ली कैपिटल का, तो आप उनको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। शिमरन एटमैन मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, अगर आप शिमरन एटमैन को अपनी टीम में रखना चाह रहे हो तो आपको टॉप ऑर्डर का कोई प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेटमायर की बैटिंग आती है तो इनका टॉप ऑर्डर डेफिनेटली फेल्ड होगा। साथ में आपको मुंबई के बॉलर्स भी लेके चलने पड़ेंगे, तो गाइस ये सिनेरियो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप इस वाले मैच में विन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ललित यादव की बात करूं लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, अक्षर पटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक अच्छा स्पिनर है, मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। रविचंद्रन अश्विन की बात करूं मेरे हिसाब से कुछ खास फॉर्म चल नहीं रही, रबाड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और क्योंकि इस वाले पिच पे है ना पेसर्स को अच्छी मदद मिलती है तो वहां पे ये अच्छा करके दे सकता है।
और नॉटेज की फॉर्म भी अच्छी है और यहाँ पे आवेश खान की भी फॉर्म अच्छी है। तो यहाँ पे गए दिल्ली के तीन बॉलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है रबाड़ा, नॉटेज एंड आवेश खान। गाइस तीन बॉलर नोट कर लेना, मैं फिर आप बोलोगे कि भाई आपने बताया नहीं, हमारा नुकसान हो गया, आप तरह तरह की बातें करोगे, मुझे पता है। इसलिए गाइस मैं फिर से चीख चीख के बोल रहा हूँ, तीन बॉलर इंपॉर्टेंट है, रबाड़ा, नॉटेज, आवेश खान। और उनका कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट है? जसप्रीत बुमराह। डिफरेंशियल कौन हो सकता है? बोल्ट, क्योंकि अच्छा नहीं कर रहा बट इस वाले मैच में अच्छा कर सकता है। बाकी अपन वेन्यू का रिकॉर्ड देखेंगे तब अपन को पता लगेगा। बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स में मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा। दिल्ली कैपिटल का हेड टू हेड और वेन्यू और स्टैट्स रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये वाली चीज आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको प्लेइंग 11 स्टैट्स बता के चल जाएंगे, बट ये चीज है जो आपको इसी चैनल पे ही मिलेगी। इसलिए इसको एक्सपर्ट सपोर्ट चैनल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्टाइज नॉलेज मिलती है, यहाँ फालतू बातें कम होती है, इंफॉर्मेशन ज्यादा दी जाती है। इसलिए गाइस ये 5 रेटिंग चैनल है यूट्यूब का, इसलिए गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा। पृथ्वी शाह देखो मुझे नहीं लगता खेलेगा। शिखर धवन का वेन्यू पे 33 का एवरेज, और हेड टू हेड जब दिल्ली और मुंबई का जब मैच हुआ है वहां पे 39 का एवरेज है, तो शिखर धवन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टीवन स्मिथ का इस वाले वेन्यू पर 52 का एवरेज है। गाइज इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नोटेड कर लेना, स्टीवन स्मिथ का इस वाले ग्राउंड पर 52 का एवरेज है, तो काफी अच्छा करके दे सकता है। ओपन पे आएगा तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत का इस वाले वेन्यू पर 27 का एवरेज है, और हेड टू हेड में 33 का एवरेज है। हेटमायर का मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है, अश्विन कुछ खास नहीं कर रहा। रबाड़ा 4 मैच में 6 विकेट, नॉटेज 4 मैच में 7 विकेट, और अमित मिश्रा खेलेगा नहीं। तो यहाँ पे गाइज आपके लिए ये प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। मुंबई इंडियंस की तरफ से बात करें, क्वांटन डीकॉक का इस वाले वेन्यू पर 51 का एवरेज है, 50 का एवरेज है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। रोहित शर्मा का इस वाले वेन्यू पर केवल 5 का एवरेज है, 3 मैच खेले 14 रन बनाए। तो रोहित शर्मा के पीछे भाग रहे थे ना आप, आपने थंबनेल देखा होगा ना, रोहित को लेने वालों एक बार देख लो, इसीलिए बोल रहा था कि रोहित को लेने वाले एक बार ये स्टैट देख लो। देखो गाइस मैं ये नहीं कहता आप रोहित शर्मा को अपनी टीम में रखो, बट स्टैट्स ये बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा ज्यादा कुछ खास नहीं करता इस वाले ग्राउंड पे। बाकी देखो T20 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हो सकता है इसी वाले मैच में सेंचुरी लगा दे, फिर आप बाद में बोलो कि देखो आपने बोला था इसलिए मैंने हटा दिया। देखो गाइस मैं स्टैट्स बता सकता हूँ बट ये नहीं बता सकता कि वो इस वाले मैच में परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अगर ऐसा बता दिया तो मैं भगवान हो जाऊंगा, और मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपके जैसा एक सामान्य इंसान हूँ। बट गाइज स्टैट्स बता रहे हैं कि ये अच्छा नहीं कर सकता इस वाले ग्राउंड पे, ऐसा रिकॉर्ड बता रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का इस वाले ग्राउंड पे 43 का एवरेज है, ईशान किशन का इस वाले ग्राउंड पे 66 का एवरेज है। तो अगर इस वाले रिकॉर्ड को अगर रोहित शर्मा भैया देख रहे हैं तो वो सूर्य कुमार यादव की जगह ईशान किशन को मौका दे सकते हैं, क्योंकि इस वाले वेन्यू पर किशन दिल्ली पे तबाही मचा सकता है। पोलार्ड का इस वाले वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 6 मैच में केवल 2 विकेट निकाले हैं, और यहाँ से पांड्या का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा है बुमराह का, 2 मैच में 4 विकेट। ट्रेंट बोल्ट का गए जिस वाले ग्राउंड पे 2 मैच में 6 विकेट। तो ट्रेंट बोल्ट के बारे में अपन सोच रहे थे कि इसको अपनी टीम में रखे या नहीं रखे, तो गाइज फाइनल डिसीजन हो गया है, ट्रेंट बोल्ट को रखेंगे, और इस पे मैंने राइट का निशान लगा दिया है। गाइज आपको वीडियो तो पसंद आ रहा होगा ना यार, क्योंकि देखो फुल क्वालिटी वीडियो मिलता है, मतलब आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने मैच जा रहे हैं ना यार, देखो किस्मत ही खराब हो तो हार रहे, बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन से बहुत कम बंदे हैं जो लॉस कर रहे हैं, क्योंकि चेन्नई के जितने मैच हो रहे हैं ना उसमें मैं ऋतुराज और फाफ डू प्लेसेस के लिए हमेशा बोलता हूँ कि इसको ले लेना, और अच्छा करके जा रहा है। डैन ब्रावो के बारे में भी बोल रहा हूँ, तो सारे मैच बहुत बढ़िया जा रहे हैं, और यार मजा आ रहा है इस वाले आईपीएल में, तो कुछ भी बोलो। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस कर लो यार, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन जाए, और वीडियो को आप सबसे पहले वॉच करो, क्योंकि इस वाले वीडियो में मिलता है क्वालिटी कंटेंट। और गाइज एक चीज और बता दूं, कई भाइयों के मैसेज आए थे कि भाई गिव अवे के साथ साथ एक क्वेश्चन आंसर भी रखो, तो आपके लिए एक 10,000 रुपये का अलग से गिव अवे रख रहा हूँ जो 50,000 के अलावा है। 50,000 में तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और वीडियो को लाइक करना है। 10,000 में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है, वो क्वेश्चन मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। तो वीडियो को गाइस लास्ट तक वॉच करना, और क्रेडिट मेंटेन करने में बड़ा पसीना आएगा, ध्यान रखना, वीडियो स्किप करके मत जाना। प्लेयर बैटल देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे ऋषभ पंत को बुमराह ने 5 बार आउट किया, स्टीवन स्मिथ को भी बुमराह ने 3 बार आउट किया, शिखर धवन को भी गाइस यहाँ से बुमराह ने 1 बार, बोल्ट ने 1 बार, स्टोनियस को बुमराह ने 3 बार, पृथ्वी शाह को बुमराह ने 0 और बोल्ट ने 3 बार। तो बुमराह और ट्रेंट बोल्ट गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाले मैच में, तो आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो, आपको काफी मदद मिलेगी। और यहाँ से बात करें इनकी तरफ से, रोहित शर्मा को अश्विन ने 2 बार, उमेश यादव ने 4 बार, मिश्रा ने 6 बार, पटेल को 2 बार, क्वांटन डीकॉक को अश्विन ने 4 बार। गाइस यार एक चीज मुझे ना इस वाले आईपीएल में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अमित मिश्रा को बाहर बैठाया जा रहा है, उसको मौका नहीं दे रहा। तो अगर आप यूजर्स
वैसे अगर कोई इनमें से कोई ऐसा यूजर्स है जो दिल्ली तक मेरी आवाज़ पहुंचा सकता है तो उनको जरूर बोलना कि अमित मिश्रा को मौका दे। अगर अमित मिश्रा खेलेंगे ना तो दिल्ली इस बार के आईपीएल का टाइटल ले जा सकता है, क्योंकि तो जैसे रवि बिश्नोई ने पंजाब में आके धमाका कराया ना, वैसे मिश्रा भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है। तो आप अगर पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना, बाकी नहीं भी पहुंचाओगे तो जो सुन रहा है वो। पोलार्ड को अश्विन ने 4 बार, रबाड़ा ने 1 बार, सूर्य कुमार यादव को रबाड़ा ने 2 बार और अमित मिश्रा को यहां से 2 बार आउट किया है। तो गाइस देखो, मैंने आपको इस वाले मैच का स्टैट्स तो है ना पूरा ढंग से कंप्लीटली बता दिया है और आपको पूरी ढंग से समझ में आ गया होगा कि दिल्ली और मुंबई के कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इस वाले वेन्यू पर अच्छा नहीं है, बाकी अच्छा कर सकता है तो आप ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हो, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस वाले मैच की गाइस अपन फाइनल टीम देख लेते हैं कि क्या टीम मैंने आपके लिए बनाई है, ताकि आपको क्रेडिट मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ में अपन देखेंगे कि इस वाले मैच में गिव अवे का क्वेश्चन क्या आने वाला है और क्या कप्तान बनाए और क्या वाइस कप्तान बनाए, किसको कप्तान बनाए और किसको वाइस कप्तान बनाए, जिससे आप हर लीग में विन कर सको। तो अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, तो वो अपन देखने चलते हैं। गाइस सबसे पहले अपन विकेट कीपर सेक्शन से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, विकेट कीपर में आपके पास ऑप्शन है क्वांटन डीकॉक, ऋषभ पंत, ईशान किशन, सैम बिलिंग, आदित्य तारे। दोनों को ले रहा हूँ, क्वांटन डीकॉक और ऋषभ पंत, क्योंकि डीकॉक ओपन करेंगे, ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में आएंगे। अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें ऋषभ पंत ने परफॉर्म नहीं किया और अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें क्वांटन डीकॉक ने परफॉर्म नहीं किया। तो गाइस 4 मैचों पर गाइस 3 मैच में तो एक चीज तो बनती है कि इनको लेना बनता है यार, ठीक है ना, इसलिए ले रहा हूँ। आप ये मत सोचना लास्ट मैच में परफॉर्म किया इसलिए लिया, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में देखो, रोहित शर्मा 10 क्रेडिट के प्लेयर है। शिखर धवन को मैं रखूंगा यहाँ पे, श्रेयस अय्यर को मैं रखूंगा, स्टीवन स्मिथ को मैं रखूंगा। यहाँ से मैंने अभी के लिए 3 प्लेयर लिए हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वाले पिच पे है ना, जो पिच है ना काफी स्लो हो जाता है, तो वहां पे बॉलर्स काफी इंपैक्टफुल हो सकते हैं, इसलिए मैं बॉलर्स को इंपॉर्टेंस दूंगा। बुमराह को रखूंगा, रबाड़ा को, नॉटेज को, आवेश खान को, बोल्ट को। गाइस टोटल 5 बॉलर्स के साथ मैं इस वाले मैच में जाने वाला हूँ। कई भाई हिल जाएंगे मेरा ये देखकर कि यार ये क्या वीडियो बनाता है, कई लाइक सोच रहे होंगे कि ये फर्जी टीम देता है, बट गाइस दुनिया से अलग चलना है तो दुनिया से अलग कुछ करना पड़ेगा, और स्पेशल कुछ करना है तो ये वीडियो वॉच करना पड़ेगा। गाइस इस वाले मैच का गिव अवे का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं कि इस वाले मैच में सबसे ज्यादा 4, सबसे ज्यादा 4, सबसे ज्यादा चौके कौन सा प्लेयर मारेगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके दे दीजिए। आपने पहला तो गिव अवे विन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, जिसने वीडियो पे लाइक किया है, वीडियो को लास्ट तक वॉच किया, अगर यहां तक भी वॉच कर लिया तो भी आप विन कर गए, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन किया और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो गाइस यहां पे मैंने ये टीम बनाई है इस वाले मैच की, क्वांटन डीकॉक, ऋषभ पंत, शिखर धवन, स्टीवन स्मिथ, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, बोल्ट, बुमराह, आवेश खान, नॉटेज और रबाड़ा। अब कई भाई सोच रहे होंगे कि यार इसने मुंबई के तो बैट्समैन रखे ही नहीं है, तो गाइज अगर आप मुंबई के बैट्समैन को अपनी टीम में इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो आप यहां से कोई भी एक बड़ा प्लेयर ड्रॉप कर सकते हो। तो गाइज या तो आप स्टीवन स्मिथ की जगह यहाँ पे सौरभ तिवारी को ले सकते हो, या फिर आप सूर्य कुमार यादव को, मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए तो गाइज मैंने तो अभी के लिए यही टीम आपके लिए रेडी की है। या फिर आप यहाँ से ऋषभ पंत की जगह रोहित शर्मा को भी रख सकते हो, तो आप इस तरीके की टीम के साथ भी जा सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो डीकॉक, रोहित शर्मा, धवन, सौरभ तिवारी, अय्यर, हार्दिक पांड्या, बट मेरे हिसाब से ये 5 बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वाले मैदान पे, बोल्ट, बुमराह, आवेश खान, नॉटेज और रबाड़ा, ठीक है। हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में ठीक है, और ये वाली टीम भी आप बिल्कुल लगा सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ में कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो बुमराह का रिकॉर्ड इस वाले वेन्यू पर बहुत अच्छा है, तो आप कप्तान बना सकते हैं, और क्वांटन डीकॉक को आप वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, या फिर श्रेयस अय्यर को। तो आपको वीडियो ढंग से समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर जाना, गिव अवे के लिए मत करना, बट भाई की मेहनत के लिए लाइक कर देना। अगर आप लाइक करोगे ना, दिल से दुआ निकलेगी, और दिल से दुआ निकली हुई है ना आपको हर लीग विन करा के देगी। तो गाइज हंसते हुए इस वीडियो को समाप्त करो और हंसते हुए इस मैच को खेलो, और गाइज ज्यादा है ना फ्रस्ट्रेट मत हो यार एक मैच को लेके, टीम को लेके। आईपीएल आता है गाइज एंजॉय के लिए, आपको मस्ती करने के लिए। ये फैंटेसी इसलिए ही बनाई गई है ताकि इस स्पोर्ट्स का मजा ले सको, नहीं तो क्या होता है कई बार अपन बोर हो जाते हैं, यार क्या मैच है क्या है, बट अपनी जब टीम चलती होती है ना तब बहुत मजा आता है। तो उसको एंजॉय करो, उसको फ्रस्ट्रेशन में मत पड़ो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे दबा देना। तो भाई इस वीडियो को इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहो। मेरा वीडियो फुल इन्फॉर्मेटिव होता है, एजुकेशन पर्पस से होता है, ठीक है भाइयों, नमस्कार।